ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैचुरेशनल चेंजेस एंड व्हाट वुड बी द एज चेंजेस विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो फॉर हम अभी ये पढ़ते आए स्टार्ट ऑफ द थ्री में कि व्हाट आर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल चेंजेस और वो क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल चेंजेस कहेंगी. एज चेंजेस का मतलब क्या है कि विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद जब एजिंग का फैक्टर आएगा और जब वो एक सब्जेक्ट जो है वो बूढ़ा हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस या किस तरीके के साथ उसमें चेंजेस उसमें आएंगे. तो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी 1930s में बहरेंट ने, उसमें उन्होंने बेसिकली वो तो एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी थी और साथ में उन्होंने कुछ एक्सरसाइज भी करवाए. मेनी ईयर्स 40 टू 50 ईयर्स आफ्टर द इनिशियल स्टडीज 1980s में 40 years down the road, उन्हें दोबारा चांस मिला कि किसी तरीके से उनके मैग्निफिकेशन को कैलिब्रेट कर सकें और दोबारा से उनके एक्सेस करा के देख सकें और इस स्टडी में वो ये देख सकें कि मैचुरेशनल चेंजेस या एज चेंजेस के साथ जो है वो फेस में उसमें क्या चेंजेस आई. तो हम लोगों का तो इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या था कि हम ये बात करते थे कि जी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपका जो है वो ट्वेंटीज या लेट टीन्स में जाके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो जाती है. ये जो स्टडी कंडक्ट हुई बहरन की और इन्होंने उसको फॉलो किया मैनी ईयर्स आफ्टर द लेट टीन्स या 30s, 40s एंड 50s ईयर्स ऑफ द लाइफ में जब उसको फॉलो किया तो ये देखा कि हमारा जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि जी 20s में या उसमें आके वो खत्म हो जाती हैं ग्रोथ चेंजेस, वो गलत था. हो क्या रहा है कि एडल्टहुड में भी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और साथ चेंजेस आ रही हैं. अब इस चेंजेस को उन्होंने रीड कैसे करना था, इन चेंजेस को उन्होंने रीड करने के लिए क्या किया कि जो है वो किया एक्सरसाइज करवा के देखे. एक उनके पास एक्सरसाइज था जो 1930s में या 30s या 40s में हुआ और दूसरा एक्सरसाइज जो उन्हें दोबारा चांस मिला उन 100 पेशेंट्स को दोबारा रिकॉल करने का और उनको देखने का, वो उनको मौका मिला 1980s में. तो उन्होंने 40 इयर्स डाउन द रोड दोबारा उन पेशेंट्स के एक्सरसाइज करवा के देखे और ये देखा कि उनके फेस में चेंजेस आ सकती हैं. इस चीज को आप बिल्कुल ईजिली कंपेयर कर सकते हैं. वो ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप देखें कि अपने फादर या मदर की शादी की तस्वीर देख लें, अब शादी के टाइम पर उनकी एज क्या होगी कि जी 25-30 जितनी भी उसमें होगी और 20 या अब 22-23 साल के हैं, तो अब आप 20-22 साल 23 साल बाद अब उनके चेहरे में देखें तो उसमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है कि फेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई आफ्टर द लेट टीन्स जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था. सो द राइट कॉन्सेप्ट इज कि लेट टीन्स तक तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रही है और उसके बाद जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है और वो बहुत ही स्लो पेस के ऊपर ग्रो करता रहेगा. ठीक है, तो ये स्टडी कंडक्ट हुई बहरेंट ने 1980s में कंडक्ट की थी. 40 इयर्स के बाद उस पेशेंट्स को फॉलोअप किया और उसमें उन्होंने देखा कि जो फेशियल ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ और ये सारे डायमेंशन में ग्रो कर रहा है, वर्टिकल, सेजिटल, ट्रांसवर्स, तीनों डायमेंशन में जो है वो ग्रोथ आ रही है. बट टू रिमेम्बर कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ चेंजेस आ रही हैं वो ग्रोथ चेंजेस आ रही हैं वर्टिकल प्लेन में. इसको आपने याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट की जो चेंजेस आई वो चेंजेस आ रही हैं वर्टिकल प्लेन में, उसके बाद एंटीपोस्टीरियर प्लेन में और सबसे एंड के ऊपर जो है वो ट्रांसवर्स प्लेन में. सबसे कम जो चेंजेस आई वो ट्रांसवर्स प्लेन में आई. सो द मोस्ट प्रोमिनेंट चेंजेस इन द एडल्टहुड आर इन द वर्टिकल प्लेन, देन इन द सेजिटल प्लेन एंड देन इन द ट्रांसवर्स प्लेन. ट्रांसवर्स प्लेन में जो है वो लीस्ट एविडेंट चेंजेस हैं एडल्टहुड के दरमियान. ये बिल्कुल वही पैटर्न का रिवर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंप्लीट होने. सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब कंप्लीट होती थी, कौन से प्लेन में कंप्लीट होती थी, ट्रांसवर्स प्लेन में, उसके बाद एंटोपोस्टीरियर यानी सेजिटल प्लेन में और सबसे एंड में ग्रोथ खत्म हो रही थी वर्टिकल प्लेन में. अब यहाँ क्या है कि जो ग्रोथ चेंजेस हैं वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं वर्टिकल में, फिर उसके बाद सेजिटल में और फिर ट्रांसवर्स प्लेन में. ये उन पेशेंट्स के हमने इस चेंजेस को कैसे सब्जेक्टिवली कैसे हमने इसको ऑब्जेक्टिवली असेस किया. हमने इसको असेस किया कि इनिशियल एक्सरे के ऊपर दूसरा एक्सरे रख के देखा और ये दिस इज कॉल्ड सुपरइम्पोजिशन. सुपरइम्पोजिशन में व्हाट दे हैव सीन कि व्हेन दे सुपरइम्पोज द एक्सरेज मेनी इयर्स आफ्टर द
इनिशियल एक्सरे, तो उसके अंदर जो है वो ग्रोथ चेंजेस आई हुई थी. ठीक है, जैसे कि आप ये इसमें देख सकते हैं कि जो मैंडिबल है, जो रीमॉडलिंग पैटर्न, जो इनिशियल पैटर्न ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो स्टार्ट में था, वही एग्जैक्टली जो है वही पैटर्न आगे फॉलो हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दरमियान में. ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि जो वुमेन में क्या है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी आती है तो उसके जॉ के अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलती है. आपको पता था कि इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, और एस्ट्रोजन का आपको याद है कि जो है वो इफेक्ट था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, याद आया ना? तो सेक्स हार्मोन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या इतना इफेक्ट था कि वो सोमैटिक टिश्यू के ऊपर भी एक्ट कर रहा था. तो वुमेन के फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब उसकी एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो भी आपको उसमें देखने को मिलेगी. लेकिन हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडल्ट ग्रोथ जो है वो पर मिलीमीटर ईयर्स में तो बहुत कम होती है, लेकिन जो उसके कम्युलेटिव इफेक्ट्स हैं वो अच्छे खासे सरप्राइजिंग होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ द डेकेड्स. मतलब कई डेकेड्स में तो उसके इफेक्ट्स बहुत मैग्निफाइड आपको मिलेंगे, लेकिन अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो उसके इफेक्ट बहुत कम है. ठीक है, और इसके अलावा इट्स नॉट अबाउट दिस के वर्टिकल प्लेन ट्रांसफर तीनों प्लेन में कर रहे हैं, उसमें कुछ रोटेशनल इफेक्ट भी आ रहे हैं. मतलब जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोटेशन का पैटर्न पढ़ा था कि वो ग्रो करते हुए अपवर्ड या फॉरवर्ड या डाउनवर्ड या बैकवर्ड ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये देखा कि अब क्योंकि इम्प्लांट की स्टडी तो नहीं थी तो वो इंटरनल एक्सटर्नल रिमॉडलिंग वगैरह को तो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे. हाउएवर व्हाट दे ट्राई टू नो फ्रॉम द स्टडी कि जो है वो जब एडल्ट में एडल्ट चेंजेस आई और 30s, 40s एंड 50s एंड 60s में वो पेशेंट जो सब्जेक्ट है वो ग्रो करता चला गया, एज चेंजेस जब उसमें आई तो कुछ ना कुछ रोटेशन का फैक्टर भी उसमें उनको मिला. वो रोटेशन का पैटर्न क्या था कि मेल्स में था वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड और फीमेल्स में था वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसको कि हम कहते थे कि पॉजिटिव रोटेशन है. ठीक है, और मेल्स में जो थी वो नेगेटिव रोटेशन थी. ठीक है, तो और उसके बाद क्या है कि उसने कंक्लूड ये किया कि जो इनिशियल पैटर्न था, जो ओरिजिनल मैरिक्लुइन का जो पैटर्न था, जो जिसके साथ वो ग्रो करता आया था, एज चेंजेस में एडल्टहुड के अंदर भी वो सिमिलर पैटर्न ऑफ द ग्रोथ हैज कंटिन्यूड, जिसकी वजह से देयर वाज अ ग्रेजुअल वर्सनिंग ऑफ द ऑक्लूजल रिलेशनशिप अकर लॉन्ग ईयर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट. इसका हमारे साथ क्या रिलेशन या इफेक्ट इसका है कि many years after the completion of the orthodontic treatment, agar growth and development ho rahi hai, jaw ki position jo hai wo change ho rahi hai, as the teeth are attached with the bones, so with the change in the position of the teeth with the growth and the development, what is happening ke jo hai wo jaw ki position change hoti ja rahi hai, jaw ki position change hone ke sath sath jo hai wo teeth ki position bhi change hoti jayegi, so there could be happen worsening of the outcome of the occlusal relationship with the age. ठीक है, तो however the conclusive remarks of the study ये था कि जो adulthood में हमने बिल्कुल start of the lecture में बात करते थे कि late teens तक तो magnificent या बहुत prominent growth है, उसके बाद the growth, हम ये नहीं कहते कि growth खत्म हो गई, हम ये कहते हैं कि the growth has ceased to an adult level. ठीक है, वो decline होके अपने basal level पे आ गई है और वो तीनों planes के ऊपर जो है वो continued है. This is all about the facial changes in the adults. हम quickly revise करते हैं. इसमें चार पांच पॉइंट थे. ये थी जो आपके बुक में बात है कि बहरेंट ने ये स्टडी कंडक्ट की. ये कैसे कंडक्ट की कि उसने जो मैग्निफिकेशन का फैक्टर था वो कैलिब्रेट किया. 1930s और 40s में जो पेशेंट के ऊपर स्टडी कंडक्ट की थी उनको 80s में दोबारा बुला के उनके सेफेलोमेट्रिक्स एक्सरेस को सुपर इम्पोज करके देखा और उन्होंने ये किया कि जो फेशियल ग्रोथ है वो कंटिन्यूड रहती है थ्रू आउट द लाइफ और वो तीनों डायमेंशन तीनों प्लेन्स के अंदर ग्रो कर रही है. सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो ग्रोथ है वो रहती है वर्टिकल प्लेन में, उसके बाद एंटोपोस्टीरियर में, और सबसे कम चेंजेस उनको मिली थी, नजर आई थी ट्रांसवर्स प्लेन में. ठीक है, उसके ये हम देख सकते हैं एक्सरेस के उसके अंदर जो है वो चेंजेस आई है एडल्ट पेशेंट में. इसके ना सिर्फ जो है वो जो है वो डायरेक्ट वर्टिकल और सेजिटल और ट्रांसवर्स में ग्रो कर रहा है, बल्कि साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा है. उसकी रोटेशन में क्या है कि जो मेल्स में है वो नेगेटिव रोटेशन है, यानी कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, और फीमेल्स में जो है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन है. फीमेल्स में आप याद रखिएगा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के अराउंड जो है वो उसकी जॉ की कुछ ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स के एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से. हाउएवर दिस ग्रोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडल्ट ग्रोथ चेंजेस असेस्ड ऑन द मिलीमीटर पर ईयर बेसिस was quite small. However, the cumulative effect over the decade was surprisingly large. ठीक है,
अब बाकी उसमें यह पॉइंट उसने कहा कि देयर वाज अ ग्रेजुअल वर्सनिंग ऑफ द क्लोजर रिलेशनशिप कुड अकर इन सम पेशेंट लॉन्ग ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि द टीथ आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड इफ द बोन्स स्टार्ट ग्रोइंग या वो ग्रो करते रहते हैं माइट से तो वो अपने पोजिशन चेंज करते चले जाएंगे. ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस. सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस में क्या था कि जो आपकी नोज है वो एलोंगेट करती जाएगी. इसमें जो है वो फेस के जो एज चेंजेस हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, एज चेंजेस में क्या होगा कि जैसे जैसे पेशेंट बूढ़ा होता चला जा रहा है तो क्या होगा कि पहले अगर नोज की पोजिशन ऐसे थी तो द नोज इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट. सिंपल कॉमन सेंस आप इसको लॉजिक अप्लाई करें, आप ये देखें कि किसी भी पेशेंट की जो नाक का साइज है, उसके कार्टिलेज का जो साइज है, वो एजिंग के साथ साथ इंक्रीज करता चला जाता है. सो देयर वुड बी एलोंगेशन ऑफ द नोज, फ्लैटनिंग ऑफ द लिप्स. इनिशियल लिप्स अगर इस तरह से थे तो वो बाद में जो यहाँ पे ये एलोंगेट कर गया, अब ये फ्लैटन होना शुरू हो गए, ये फ्लैट हो गए. और कमिंग टू द चिन, चिन के ऊपर जो है उसकी थिकनेस इंक्रीज कर देगी. पहले अगर इस तरीके से था तो ये फ्लैट होने के बाद इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी. कमिंग ऊपर से नीचे आते हैं तो नेजल कार्टिलेज जो है इस पे इसकी ग्रोथ की वजह से इसकी एलोंगेशन हुई. लिप्स जो हैं वो फ्लैटन हो गए और चिन के ऊपर जो है देयर इज ऑगमेंटेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू. ठीक है, दीज आर द एज चेंजेस. अब ये एज चेंजेस जो है वो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है कि अभी हमने प्रोफाइल व्यू से देखे थे, सामने से अगर देखें तो इसमें के इंसाइजर्स का जो डिस्प्ले है वो विद द एजिंग कम होता चला जाता है. ये एक पेशेंट की तस्वीर है जो उसकी जवानी की है, अब ये उसके मतलब कह लेंगे 50s या 60s की है. अगर आप इसको नोटिस करें तो आप ये देखेंगे द एक्सपोजर ऑफ द इंसाइजर विद द एजिंग इज डिक्रीजिंग. अपर इंसाइजर्स का जो डिस्प्ले है वो डिक्रीज करता चला जा रहा है, लोअर इंसाइजर्स का डिस्प्ले विद द एजिंग जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है. ठीक है, और ये ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने प्लान करने होता है एक ट्रीटमेंट का, एक पेशेंट का ट्रीटमेंट खत्म कर रहे हैं 14-15 साल या 17 साल की एज में, तो हमें यह माइंड में रखना है कि वी आर डीलिंग विद अ मूविंग टारगेट. माइंड में हमने ये रखना है कि विद द एजिंग जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती चली जाएगी उसके अपर इंसाइजर्स का जो है वो डिस्प्ले कम होता चला जाएगा और लोअर इंसाइजर्स का डिस्प्ले जो है वो बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, और इसमें फर्क क्या होगा कि अगर हम इसको पहले हमने प्रोफाइल व्यू में देखा, प्रोफाइल व्यू में हम देखा कि नोज के एलोंगेशन हुई, लिप्स जो है वो थिन और फ्लैट हो गए और चिन के ऊपर ऑगमेंटेशन हो गया. अब सामने से व्यू में आते हैं तो हमने कहा कि जो नोज है उसकी डायमेंशन इंक्रीज कर दी कार्टिलेज की और लिप का जो है वो अपर इंसाइजेस का एक्सपोजर जो है वो कम होता चला जा रहा है, लोअर इंसाइजेस एजेड पेशेंट में ज्यादा नजर आते हैं. इसकी क्लिनिकल ऑर्थोडोंटिक अप्लाइड ऑर्थोडोंटिक्स में इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम किसी ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट खत्म कर रहे होते हैं तो हम उसको ऐसे खत्म नहीं कर सकते कि जो आज अच्छा लग रहा है 15 साल की एज में जो अच्छा लग रहा है इंसाइजर्स की पोजीशन, क्योंकि आपके माइंड में ये बात है कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम होगा क्या कि उसके अपर इंसाइजर्स का डिस्प्ले कम होता चला जाएगा. तो आज अगर हम उसको हाफ ऑफ द इंसाइजर या 3/4 ऑफ द इंसाइजर डिस्प्ले पे खत्म कर दें तो बाद में क्या होगा एजिंग के साथ उसका अपर इंसाइजर का डिस्प्ले, लिप जो है उसकी एक्टिविटी कम हो रही है, थिन हो रहे हैं, इस तरह की आप एज चेंजेस दे सकते हैं कि यहाँ पर फुलनेस ऑफ द लिप है, भरे भरे से लिप्स हैं और ये एजिंग के साथ साथ जो है वो आप इसमें अगर गौर करें तो ये देखेंगे कि लिप्स आर गेटिंग लेस फुल, फुलनेस उसमें कम हो रही है. यही वजह है कि जो लोग एजिंग में जा रहे होते हैं वो कोलेजन के इंजेक्शन वगैरह लगा रहे होते हैं और इनका जो मूव करने की जो मोटैलिटी है वो भी कम होते चले जा रही होती है कि हाइपर मोबाइल लिप्स या कि जो लिप्स को किस तरीके से पेशेंट मूव कर सकता है वो कम होता जा रहा था एजिंग की वजह से. और ये इसमें वर्मिलियन डिस्प्ले भी कम होता चला जा रहा है. दीज आर द एज चेंजेस विद द एजिंग इफेक्ट. जो अपर लिप है वो लेंथन होता जा रहा है ऑन द एवरेज 3.2 मिलीमीटर, ये एक स्टडी कंडक्ट हुई थी, और थिन हो रहा है 3.6 मिलीमीटर बिटवीन द एडोलेसेंस एंड मिड एडल्टहुड. ठीक है, सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द आइडियल एस्थेटिक इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ द जिंजिवा ऑन द स्माइल. वो यूथफुल अपीयरेंस की जो है वो एक निशानी है कि थोड़ा सा जो गम जो है वो नजर आना चाहिए 100% अप इवन अप टू 2 मिलीमीटर तक भी. ये डिफरेंट स्टडीज डिफरेंट सपोर्ट करती हैं कि यूथफुल अपीयरेंस की या यूथफुल स्माइल का जो कैरेक्टरिस्टिक साइन है वो ये है कि सारे अपर इंसाइजर्स जो हैं वो नजर आ रहे हों और 1-2 मिलीमीटर गम भी उसमें नजर आ रहा हो. और
ये यूथफुल है, और जो हमने ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट फिनिश करना होता है वो भी हम उसको ऐसे फिनिश करेंगे कि 100% इंसाइजर और 1 से 2 मिलीमीटर तक जो है वो गम नजर आ रहा है, क्योंकि जब एज चेंजेस बाद में आएंगी तो उससे अपर इंसाइजर का डिस्प्ले आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये उसकी ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट में रेलेवेंस है, या पढ़ लें। ओके, तो उसके बाद आ जाती हैं मैचुरेशनल चेंजेस इन द पल्प टिश्यू। और पल्प टिश्यू में क्या होता है कि आपको पता है कि जो पल्प जो है वो मैक्सिमम साइज में होती है जब वो टूथ रप करता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सेकेंडरी और टर्शरी डेंटिन बनना शुरू हो जाती है विद द डेपोजिशन ऑफ द डेंटिन ऑन द पल्पल साइड, द पल्प चैम्बर ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर। सो नाउ वी आर स्टडिंग द मैचुरेशन एंड एज चेंजिंग इन द डेंटल अपैरेटस और उसका सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पल्प चैम्बर का जो साइज है वो ग्रेजुअली जो है वो कम होता चला जा रहा होता है विद द एजिंग। ये आपको अपने ऑपरेटिव के नॉलेज से आपको पता ही होगा। हाउ वी कमिंग टू द जिंजाइवल टिश्यू, एक होती है कि जब टूथ अरप्ट करता है मेनी पार्ट ऑफ द गम इज ओवर द एनामल, सेमेंटो एनामल जंक्शन से ऊपर आके जिंजाइवल मार्जिन इज ओवर द एनामल, दैट्स व्हाई कि आपको फुल क्राउन जो है वो इसमें आपको नजर नहीं आ रहा होता, इट्स स्लाइटली कवर्ड विद द गम। तो होता क्या है कि विद एज चेंजेस जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो होता क्या है कि जो जिंजाइवल मार्जिन विद द अरप्शन ऑफ द ये जुवेनाइल ऑक्लूजल इक्विलिब्रियम को आप माइंड में लेके आए कि जब जॉ की ग्रोथ हो रही है जॉ वर्टिकली ग्रो होने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होते जा रहे हैं, जब जॉ सेपरेट होते जा रहे हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट्स, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट्स वो टीथ अरप्ट करेंगे। तो जब वो अरप्ट करेंगे तो जिंजाइवल मार्जिन से जो है वो नीचे चला जाएगा और टीथ का लेवल जो है वो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव अरप्शन। एक्टिव अरप्शन, दिस इज एक्टिव अरप्शन इन अ वे कि वो टूथ जो है वो जुवेनाइल ऑक्लूजल इक्विलिब्रियम के से जॉ ग्रो करके अपार्ट हुए और टीथ अरप्ट करके अरप्ट किए इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये एक्टिव अरप्शन ऑफ द टीथ की वजह से इसका काम हुआ। एक चीज दूसरी आती है जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो ये था कि दिस इज समथिंग नॉर्मल एडल्टहुड में, ये हमने बात की है कि ग्रोथ के साथ कैसे हुआ। नाउ वी कम टू द एजिंग फैक्टर। एजिंग में साथ क्या होता है कि पहले हम ये समझते थे कि जिंजाइवल माइग्रेशन या जिंजाइवल रिसेशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द इज नॉर्मल पार्ट, और नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट कि अगर उसकी गम की कंडीशन हेल्दी रहती है तो वो उसका जिंजाइवल मार्जिन का हमेशा सही रहना चाहिए। जो पैसिव इरप्शन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पैसिव इरप्शन में क्या होता है कि एक टूथ का जो मार्जिन है वो जैसे सेमेंटो एनामल जंक्शन इस जगह से, तो आहिस्ता आहिस्ता टूथ अरप्ट नहीं करेगा बल्कि वो जिंजाइवल मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता रिसीड करता चला जाएगा, सेमेंटम के ऊपर आता जाएगा, ठीक है। तो अगर जिंजाइवल मार्जिन खुद नीचे जा रहा है टूथ अरप्ट नहीं कर रहा तो दिस इज पैसिव इरप्शन। पैसिव इरप्शन इज एक्चुअली नॉट द इरप्शन ऑफ द टूथ, दिस इज द एपिकल माइग्रेशन ऑफ द अटैचमेंट ऑपरेटस, ठीक है। अब मैंने आपको दो बातें इसमें बताई हैं एज चेंजेस में, एक ये कि जब जुवेनाइल ऑक्लूजल इक्विलिब्रियम आई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही थी तो जॉ की ग्रोथ के साथ इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑक्लूजल प्लेन वो ओके इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट हो क्या रहा था, वो जो टीथ हैं वो ग्रो करते चले जा रहे थे, लेकिन दिस इज कॉल्ड द एक्टिव इरप्शन, द इरप्शन ऑफ द टूथ इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट इन द जुवेनाइल ऑक्लूजल इक्विलिब्रियम वो एक एक्टिव इरप्शन का पार्ट हो गया। जो पैसिव इरप्शन इज बेसिकली द माइग्रेशन ऑफ द जिंजाइवल ऑपरेटस कि वो जिंजाइवल मार्जिन जो है वो आहिस्ता से नीचे आता जा रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चेंजेस इन द अलाइनमेंट एंड द ऑक्लूजल, ऑक्लूजन के अंदर जो है वो अलाइनमेंट कैसे चेंज हो रही है कि विद द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट हो क्या रहा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ द इंसाइजर्स मैंडिबुलर इंसाइजर्स टू गो इनटू द क्राउडिंग, और वो लेट टीन्स में डेवलप हो रही है। सो एज चेंजेस में क्या चेंजेस आ रही है कि इंसाइजर्स की अलाइनमेंट जो है वो चेंज होती चली जा रही है और ये आपको मिलेगी लेट टीन्स में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ डज द लेट व्हाई डज द क्राउडिंग अकर इन द मैंडिबुलर एंटीरियर
in the late teens. Uske different schools of thought present kiye gaye the. The schools of thought is completely different than the actual and ground reality. School of thought, teen schools of thought hain. Ek hai the lack of the normalitarian in the modern diet. One school of thought, isko hum explain karte hain. Dusra hai pressure from the third molar. Aur teesra hai late mandibular growth. Ye teen schools of thought hain. Very common YouTube question hai. हम इसको डिस्कस करते हैं. पहला है कि lack of normal atrian in the modern time. एक बहुत सादा सा सवाल पूछा जाता है पेशेंट्स की तरफ से कि आजकल, पहले तो हमारे दांत बिल्कुल सही होते थे पुराने जमाने में, आजकल जो हैं वो क्यों हमारे दांत टेढ़े-मेढ़े होना शुरू हो चुके हुए हैं. तो हम ये बात करते थे कि जी गजाएं चेंज हो गई हैं, जी अब तो बर्गरों में पली भी हवा में और के बच्चे हैं. तो होता क्या है कि इसमें जो रियलिटी प्रेजेंट की गई कि रेमंड बैग ने थ्योरी प्रेजेंट की थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो पहले हार्ड डाइट थी, गन्ना खा रहे हैं और हार्ड डाइट खाने की वजह से टीथ जो है वो मूव करते थे एल्वेलर हाउसिंग या एल्वेलर सॉकेट में. जब टीथ ने मूव करना है एल्वेलर हाउसिंग या एल्वेलर सॉकेट के अंदर, तो होगा क्या कि देयर वुड बी अ स्लाइट मोबिलिटी ऑफ द टूथ. आपको याद है कि ना कि ग्रेड वन मोबिलिटी इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द टूथ. हुआ क्या कि ग्रेड वन मोबिलिटी हुई जब टूथ मूव किए, तो ना सिर्फ अक्लूजल कॉन्टैक्ट के अक्लूजल सरफेस पे उसकी अट्रिगन हुई एक हार्ड डाइट को साइड करने की वजह से, बल्कि हार्ड डाइट की वजह से वो टीथ आपस में इन कॉन्टैक्ट है, तो प्रॉक्सिमल सरफेसेस भी जो हैं वो उनमें अट्रिगन स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सरफेस की अट्रिगन की वजह से क्या होता था कि स्पेसिस डेवलप नहीं होती. वन स्कूल ऑफ थॉट ये कि अगर आप हार्ड डाइट ले रहे हैं तो मूव कर रहे हैं एल्वेलर हाउसिंग के अंदर, तो अट्रिगन हो रही है तो स्पेसिस आ जाने चाहिए, तो वो स्पेसिस नहीं आती. बल्कि जो पोस्टीरियर टीथ है अक्लूजल प्लेन की डायरेक्शन ऐसे होती है कि अगर आप अक्लूजल प्लेन को देखें तो इट इज डायरेक्टेड इन अ वे कि वो फ्लैट होने के बजाय इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा होता है. तो जो टीथ हैं वो इस तरीके से अटैच हैं अक्लूजल प्लेन के ऊपर कि इनके दरमियान में वो मेजरली डायरेक्टेड फोर्स वेक्टर आ रहा होता है. ठीक है, अक्लूजल प्लेन के डायरेक्शन बिल्कुल फ्लैट होने के बजाय इस तरह सा इंक्लाइंड होता है. तो टीथ की जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे है कि जब इनके ऊपर अक्लूजल कॉन्टैक्ट वगैरह आए, तो जब स्पेस डेवलप हो गई इन दोनों के दरमियान, तो वो क्या हुआ कि पोस्टीरियर टीथ जो हैं वो आगे मूव किए और ये स्पेस उन्होंने बंद कर ली. अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर तो आपने मॉडर्न डाइट जो कि सॉफ्ट डाइट थी, बर्गर्स पिज्ज़ा ये सारा कुछ, तो सॉफ्ट डाइट की वजह से टीथ में मोबिलिटी ही नहीं आई. जब वो मूव ही नहीं किए तो उनके दरमियान में there is a lack of atrian. Lack of atrian की वजह से क्या हुआ कि lower incisors जो हैं वो crowding होना शुरू हो गए. इसलिए उसने proposed किया कि जहाँ पे lack of atrian या soft diet की वजह से है, तो उसने advice किया कि there should be an extraction of the premolar to provide space जो के हो equivalent to the atrian. बारा जो second theory थी वो थी from the third molar. क्योंकि ये late mandibular crowding जो है ये develop हो रही है late teens में. लेट टीन्स में, यानी कि ये वही टाइम है जब थर्ड मोलर जो है वो अरप्ट करता है. तो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट इज दिस कि थर्ड मोलर की वजह से, थर्ड मोलर के प्रेशर की वजह से जो है वो प्रेशर आगे की तरफ आता है और लोअर इंसाइजर्स में क्राउडिंग डेवलप हो जाती है. अब इस स्कूल ऑफ थॉट को प्रूव करेंगे, आपने मेरे अल्फाज नोट करें, मेरे अल्फाज है स्कूल ऑफ थॉट. स्कूल ऑफ थॉट में और रियलिटी में बड़ा फर्क है. It is just a proposed idea कि lower incisors में late teens में crowding क्यों हो रही है. पहला idea था कि lack of atrian की वजह से, दूसरा था कि pressure from the third molar की वजह से. But this is just a school of thought. ठीक है, this is just a school of thought. इस study को conduct करने के लिए बहुत दो मशहूर studies conduct हुई, Harridan et al. 1999 में, और जो है वो दूसरी study थी Addis et al. की. So they have proved कि मैं आखिर में एमरूस प्रोफेशन से सच लगता है. तो they had proved कि अगर हम third molar को extract भी कर देते हैं तब भी जो है वो क्राउडिंग, यानी कि जिन पेशेंट्स में उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया या जिन पेशेंट्स में थर्ड मोलर थे ही नहीं, उनमें भी लेट मैंडिबुलर क्राउडिंग हुई थी. हाउएवर प्लीज नोट डाउन वेरी केयरफुली कि द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ लेट मैंडिबुलर क्राउडिंग बाय द थर्ड मोलर इज रिजेक्टेड नाउ. ठीक है, बाय द स्टडी ऑफ एडीज एंड हैरिडन एट ऑल, इन लोगों ने इसको जो है वो डिसअप्रूव कर दिया. वो नाइस गाइडलाइन ऑफ द थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन में भी लेट मैंडिबुलर क्राउडिंग की
की वजह से थर्ड मोरो को अब एक्सट्रैक्ट नाइस कैडिंग अकॉर्डिंगली नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि जो लोअर इंसाइजेस क्राउडिंग में जा रहे हैं उनके क्राउडिंग में जाने की एक वजह ये हो सकती है कि थर्ड मोरो जो अरप्ट कर रहा है वो आगे पीछे से पुश कर रहा होगा और ये आगे क्राउडिंग में जा रहे हैं। तो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है लेट मैंडिबुलर ग्रोथ। लेट मैंडिबुलर ग्रोथ का मतलब है हमें सेफेलोकॉर्टिन ग्रेडिएंट का पता है। सेफेलोकॉर्टिन ग्रेडिएंट में क्या होता है कि जो मैंडिबल है वो बाद में ग्रो करता है, वो बाद में ग्रो करता है, तो मैक्सिला के मुकाबले में मैंडिबल जो है उसने बाद में ग्रो करना है। अगर तो आपके पास टीथ जो है वो बिल्कुल टाइट ऑक्लूजन में है बिफोर द लेट डिफरेंशियल मैंडिबुलर ग्रोथ, अगर द कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप ऑफ द लोअर इंसाइजर एंड अपर इंसाइजर अब मैंडिबल अब ग्रो करेगा तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कहना वो ये चाह रहा है, अगर आप मेरे हाथों को देखें कि अगर तो टाइट कॉन्टैक्ट में टीथ हैं, अपर एंड लोअर टीथ बिल्कुल टाइट कॉन्टैक्ट में, और उसके बाद मैंडिबल ग्रो करता है, तो मैंडिबल ग्रो करने में लेट मैंडिबुलर ग्रोथ की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। कॉमन सेंस अप्लाई करें, अगर अपर एंड लोअर टीथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है तो मैंडिबल अगर ग्रो कर रहा है तो क्या होगा, या वो अपर इंसाइजर्स को धक्का देके फ्लेयर कर देगा, अपर इंसाइजर्स फ्लेयर हो जाएंगे एक ऑप्शन। दूसरा है कि अपर इंसाइजर्स फ्लेयर नहीं होते बल्कि लोअर इंसाइजर्स को मैंडिबल ग्रो कर रहा है तो वो लोअर इंसाइजर्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा, लोअर इंसाइजर्स क्राउडेड में चले जाएंगे। दूसरा फैक्ट, तीसरा होता है कि मैंडिबल जो है वो लॉक हो गया तो टीएमजे के साथ अटैच है तो मैंडिबल रीपोजिशन होकर पीछे बाइट करके पेशेंट बंद करेगा। ये थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जो मैंडिबल इज डिस्प्लेस्डली हब, लेकिन ये बिल्कुल रेयर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपर इंसाइजर्स भी फ्लेयर नहीं होते और ये एक पॉसिबिलिटी थी। और तीसरा क्या है कि लोअर इंसाइजर जो है वो डिस्प्लेस्डली और क्राउडिंग में जा सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि अगर लेट मैंडिबुलर ग्रोथ होती है तो उसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मैंडिबल ग्रो करना शुरू करे और अपर एंड लोअर टीथ टाइट कॉन्टैक्ट में आ जाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अपर इंसाइजर्स जो है वो फ्लेयर होके उनके दरमियान में स्पेसिंग आ जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लोअर इंसाइजर्स जो है वो टच करके रिट्रोक्लाइन हो जाएंगे और वो क्राउडेड हो जाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कॉन्टैक्ट की वजह से पेशेंट ही पीछे करके बाइट कर रहा है और मैंडिबल ही डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है। इन तीनों चीज को असेस किया, ये पहले दो काम नहीं होते और तीसरा जो है वो ये कि लोअर मैंडिबुलर इंसाइजेस ही क्राउडिंग में जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब मैंडिबल जो है वो ग्रो करेगा तो ग्रो करने के साथ साथ जो है द लोअर इंसाइजेस आर थ्रस्टिंग इनटू द सॉफ्ट टिश्यू, लोअर लिप की तरफ जा रहे, ठीक है। अगर लोअर जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ये टाइट कॉन्टेक्ट में नहीं है और जो लोअर इंसाइजेस हैं वो लोअर लिप के अंडर इन्फ्लुएंस है तो होगा क्या कि जब लोअर इंसाइजर्स जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि लोअर लिप की तरफ वो जा रहे हैं। लोअर इंसाइजर्स आर मूविंग विद द ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल, लेट मैंडिबल ग्रोथ की वजह से लोअर इंसाइजर्स लोअर लिप की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो लोअर लिप के ऊपर जो प्रेशर है, जो लोअर लिप का जो प्रेशर है लोअर इंसाइजर्स के ऊपर वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज प्रेशर की वजह से जो लोअर इंसाइजेस हैं वो रिट्रोक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे, रिट्रोक्लाइन होंगे और ओवरलैपिंग होंगे और क्राउडिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट फॉर द लेट मैंडिबुलर ग्रोथ। और वो ये है कि जो है वो तीन हमने बात की कि एक है लैक ऑफ द नॉर्मल एट्रिजन बाय द मॉडर्न डाइट, सेकेंड इज द प्रेशर फ्रॉम द थर्ड मोलर। ये दोनों थ्योरीज गलत साबित हो चुकी हुई हैं। और जो एक्सेप्टेड थ्योरीज है लेट मैंडिबुलर ग्रोथ, लेट मैंडिबुलर ग्रोथ में क्या हुआ कि जब मैंडिबल ग्रो किया तो वो लोअर लिप के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि लोअर लिप तो अपनी जगह पे सही है, मैंडिबल ग्रो किया तो वो लोअर इंसाइजेस के ऊपर उसका प्रेशर इंक्रीज किया और इंसाइजेस रेट्रोक्लाइन चले गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्राउडिंग जो है वो आ सकती है।